अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जिला जेल में बंदी कैदियों द्वारा बनाए गए मिट्टी की श्री गणेश प्रतिमा। कलेक्टर श्री गुप्ता को जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने की भेंट। जिला जेल में बंदी कैदियों द्वारा चंद्रयान थीम पर मिट्टी की श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने कैदियों द्वारा बनाई गई प्रतिमा को कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता को भेंट की। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने कैदियों द्वारा करीब 250 से अधिक मिट्टी की श्री गणेश जी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि विभिन्न विभागों को भेंट की गई है। साथ ही जेल के बाहर एक स्टॉल भी लगाया गया है ताकि लोग मिट्टी की प्रतिमा खरीद सके। गणेश जी की प्रतिमा भी कलेक्टर साहब को दी है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जेल में बंदियों द्वारा मिट्टी के गणेश जी का निर्माण किया गया, जिसमें हमने एक बीज रखा है जो कि विसर्जन के बाद एक पौधा बनेगा। तो चंद्रयान अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसी को थीम को लेकर हमने गणपति जी का निर्माण करवाया था और आज हमने कलेक्टर साहब को वो भेंट किया है। मैडम, कितने जो कैदियों द्वारा मूर्तियाँ वहाँ पे गणेश जी की बनाई जा रही है और कब से बना रहे हैं ये? लगभग 20-25 दिन से बना रहे हैं मूर्तियाँ, और 100-200 मूर्तियों का निर्माण हो चुका है, और बाहर हमने एक छोटा सा स्टॉल भी लगाया है जेल के बाहर ताकि आम जनता भी उसको खरीद सके। अच्छा, इसका कुछ मूल्य रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, आम जनता के लिए इसका मूल्य है, बाजार से काफ़ी कम कीमत है, हम लोग उसको रखे हुए हैं। ठीक है। कैदियों द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई जा रही है गणेश जी की, और आपको भी दी गई है, और जिस तरह से कैदियों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, जो हमारा देवास का जेल है उसमें लगातार कुछ ना कुछ सकारात्मक एक्टिविटीज़ होती रहती, भले ही वो हमारा रक्षाबंधन के समय राखियाँ बनाना कैदियों के द्वारा, या फिर जन्माष्टमी के महोत्सव पे इतने अच्छे से कैदियों के द्वारा परफॉर्मेंस दिया जाना, या फिर कैदियों के द्वारा एक बैंड फॉर्म करके प्रस्तुति दिया जाना, या फिर जो हमने आज देखा है कि मंदिर में रखने के लिए मिट्टी के गणेश बनाए गए हैं कैदियों के द्वारा, तो डेफिनेटली एक बहुत ही सकारात्मक विचार है जो हमारे कैदियों में आ रही है, और इस विचारों से हमें पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में हमारे देश को मिलेंगे, ऐसी सौगात हमें प्राप्त होगी। ना केवल उनका कारावास का समय, उनको एक पश्चाताप का समय लेगा, बट इस प्रकार के स्किल्स जब डेवलप होंगे तो आने वाले समय में जब वो बाहर आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ एवोकेशन के भी अच्छे अवसर उनको मिलेंगे। तो मैं जेल के प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।